नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईपिल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, आईपिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और आईपिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि आईपिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि आईपिल टैबलेट को लेने के बाद पीरियड्स कितने दिन बाद आते हैं। आईपिल टैबलेट एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है जिसका उपयोग महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। आईपिल टैबलेट का उपयोग इमरजेंसी होने पर ही किया जाता है, इसलिए आईपिल टैबलेट को हर रोज या बार बार नहीं लेना चाहिए। आईपिल टैबलेट को इंटरकोरस के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना चाहिए और इंटरकोरस के 72 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। आईपिल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि आईपिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आईपिल टैबलेट की वजह से पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा आईपिल टैबलेट की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, शरीर में थकान व कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, दस्त और ब्रेस्ट में ढीलापन व दर्द होना आदि साइड इफेक्ट्स आईपिल टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। आईपिल टैबलेट की वजह से पीरियड्स आने में देरी या समय से पहले भी आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आईपिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको आईपिल टैबलेट को लेने के बाद 2 घंटे के अंदर वोमिटिंग हो जाती है तो आपको आईपिल टैबलेट की दूसरी डोज लेनी पड़ सकती है। आईपिल टैबलेट एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर आप पहले से प्रेग्नेंट हैं, तो आपको आईपिल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आईपिल टैबलेट के अंदर हार्मोन की हाई डोज मौजूद होती है, इसलिए आईपिल टैबलेट को लंबे समय तक या बार बार नहीं लेना चाहिए। आईपिल टैबलेट ओवरी से एग को रिलीज होने से रोकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। आईपिल टैबलेट माँ के दूध में बहुत कम मात्रा में निकलती है जो दूध पीने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। स्तनपान करा रही महिलाएं आईपिल टैबलेट को ले सकती हैं, लेकिन स्तनपान करा रही महिलाओं को आईपिल टैबलेट को लेने के बाद 8 घंटे तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए और 8 घंटे बाद पंप की मदद से अपनी ब्रेस्ट से दूध को निकाल देना चाहिए और उस दूध को डिस्कार्ड कर देना चाहिए और उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा आईपिल टैबलेट के साइड इफेक्ट से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अगर आपको आईपिल टैबलेट को लेने के बाद 3 सप्ताह से लेकर 5 सप्ताह के बाद भी पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है तो हो सकता है कि आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो। इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर हो जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ज्यादातर महिलाओं में पीरियड्स उनके एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर आ जाते हैं और कुछ महिलाओं में पीरियड्स उनके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में 5 से 7 दिन की देरी हो सकती है। यदि आपको एक्सपेक्टेड टाइम से 1 सप्ताह बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो। कंफर्म करने के लिए आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका आईपिल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।